नमस्कार, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચાર સેલવાસથી મળી રહ્યા છે. આધાર કાર્ડમાં નવા સુધારા વિશે સરકારી ઓફિસરોને જાણકારી અપાઈ. સેલવાસ આધાર કાર્ડમાં થયેલ નવા સુધારા વિશે આજે સેલવાસ સરકારી ઓફિસરોને જાણકારી આપવામાં આવી. કલા કેન્દ્રમાં સવારે 11 થી બપોરે 1:30 વાગ્યા સુધી ચાલેલી નાગરિક વિશિષ્ટ પહેચાન પ્રાધિકરણની અત્યારે કહી શકાય કે સંપૂર્ણ કાર્યશાળામાં સરકારી વિભાગોના પ્રમુખને આધારમાં નવા સુધારા અંગે માહિતી અપાઈ. પ્રશાસનના સલાહકાર વિકાસ આનંદાએ સરકારી યોજનાઓના આધારની ઉપયોગિતા અને નવા સુધારા પર ફોકસ પણ કર્યો. નાયબ કલેક્ટર ચાર્મી પારેખે પણ આધાર, રાશન અને વોટર કાર્ડથી લિંક કરવાની જરૂરત અને નવા સુધારા વિશે જણાવ્યું. તમામ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા. તો આપને એક એડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હમને નિકાલા એક દો દિન પહેલે આપને ઉસમે દેખા હોગા કે जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार बनाया है अभी भी उसी एड्रेस पे वो लोग रह रहे हैं, तो एक हमने उनको वापस रीवैलिडेट करने को बोला है कि आप अपना वापस डॉक्यूमेंट अपडेट करा लीजिए, कि प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन वापस अपलोड करा लीजिए, ताकि आपका आधार हमेशा अपडेटेड रहे कि यस आप अभी भी यहीं रह रहे हैं, हमें बता रहे हैं. तो एक रीवैलिडेशन एक्सरसाइज भी हमने अभी ये चालू कर दी है. तो एक ये नया चीज और हम करें, और धीरे धीरे हम आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम को रोबस्ट और स्ट्रेंथन करके एक शक्तिशाली अच्छे से बना रहे हैं, ताकि जितने भी सर्विसेज आने वाले समय में हैं हम आधार के थ्रू दे पाएं. लिंक करके नहीं रखा हुआ है, जहां उसको अच्छा लगता है, जो दुकानदार अच्छे से उसको व्यवहार करता है, जहां उसको पसंद है, उसके हाथ में एम्पावरमेंट आ गया. तो ये जो आधार का यूज़ है, ऐसे बहुत सारी जगह पर सिटीजन को एम्पावरमेंट मिला है और सहूलियत मिली. सर आपका नाम पोस्ट? सुमनेश जोशी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल UIDAI रीजनल ऑफिस मुंबई. सर ये व्हाट्सएप पहली बार दादर में किया गया है सर? ये अभी हमने बस चालू किया है, मतलब सब जगह हम धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकोसिस्टम में चेंज हो गई है. तो ये जब काफ़ी चीज़ें हो गई, तो कोविड के बाद ये पहली बार हम यहाँ पर मिल रहे हैं और ये वर्कशॉप हम यहाँ पर कर रहे हैं, और आने वाले समय में धीरे 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 जब भी ज़रूरत पड़ती रहेगी हम कंटिन्यूसली एंगेज करेंगे. UT ऑफ दादा नगर हवेली और दमन दीव ने एक आधार वर्कशॉप का आयोजन किया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के सपोर्ट से हमने किया. एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर श्री पासानंद जी ने इसमें पूरा हमें सहकार्य दिया, और सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स और जो रेजिडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो सब यहाँ आए, और उनको हमने आधार में क्या क्या रिसेंटली अभी चेंजेस हुए हैं और आधार एज ए फाउंडेशन जो डिजिटल आइडेंटिटी है उसको वो कैसे फर्दर सर्विस डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो सर्विस डिलीवरी है वो बहुत ही आसानी से कन्वीनियंट मैनर में और इफ़ेक्टिव तरीके से हम रेजिडेंट को दे पाएँ. जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का रीज़न है कि हमें पोरेस्ट टू पुअर अंत्योदय वहाँ तक पहुँचना है, तो उसमें कैसे हम इस डिजिटल आइडेंटिटी को यूज़ करें और सर्विस को आसानी से वहाँ तक पहुँचाएं, ये एक हमारा मकसद इस वर्कशॉप का है, ताकि सब लोगों को जब आधार के बारे में पता लगेगा और वो लोग सोचना चालू करेंगे कि जो सर्विसेज वो दे रहे हैं उसमें कैसे इस चीज़ को यूज़ करके और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, पेपरलेस तरीके से, प्रेजेंसलेस तरीके से, कैशलेस तरीके से हम दे पाएँ. रेजिडेंट क्यों सरकारी दफ्तर में आए, क्यों नहीं वो घर बैठे बैठे अपनी सुविधाओं का लाभ ले. जैसे आप लोगों को पता ही है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अभी ऑनलाइन मिल जाता है. कुछ सर्विसेज हैं जिसके अंदर एप्लीकेशन अगर आपको करनी है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो आधार बेस्ड EKYC उसमें हो जाता है, और आप NPS का अकाउंट नेशनल पेंशन सर्विस का उसमें भी आप ऑनलाइन आधार को यूज़ करके अपना अकाउंट खोल सकते हो, उसमें बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, आप खुद वेरीफाई हो जाते हो. तो अब धीरे 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 गवर्नमेंट टू बेनिफिशियरी, गवर्नमेंट सीधे बेनिफिशियरी को अप्रोच करके उस डायरेक्शन के अंदर हम आगे जा रहे हैं, और आधार का उसमें एक बहुत अहम रोल है, और इसलिए ये वर्कशॉप हमने यहाँ पर आयोजन किया है. भारत अपने भारत में अभी तक कितने आधार लिंक से लोग जुड़ गए? भारत में अभी हमारे 1.3 बिलियन 130 करोड़ से ज़्यादा हम आधार लोगों को दे चुके हैं, और मैंने यहाँ वर्कशॉप में सबको जो आधार कहाँ का यूज हो रहा है वो सक्सेस स्टोरी भी बताई. जैसे एक सक्सेस स्टोरी, वन राशन कार्ड वन नेशन, अब राशन कार्ड आधार से जुड़ गया है, तो हर बेनिफिशियरी उसके अंदर आधार से जुड़ा हुआ है, तो आज उसके कारण एक पोर्टेबिलिटी आ गई है कि आज अगर
बिहार से अगर कोई आदमी यहाँ पे काम करने आता है मान दादरा नगर हवेली में, तो वो अपना राशन यहाँ ले सकता है। सिलवासा में कला केंद्र के ऑडिटोरियम में जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एवं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जो अधिकारी हैं वो आए हुए थे, उनके द्वारा हमें बताया गया कि यूआईडी यानी कि आधार जो नंबर है उसको कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे ऑथेंटिकेट किया जा सकता है, और आधार नंबर को लेकर हम लोग अपनी सिटीज़न सर्विसेज कैसे बढ़ा सकते हैं, जो डिलीवरी ऑफ सर्विस है उसको कैसे फास्ट भी बना सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि आधार नंबर आजकल सबसे ज़्यादा एक बहुत ही फेमस तरीका है अपना आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने का, तो उसमें भी कैसे कोई फ्रॉड या फजिंग से कैसे बचे उसके बारे में भी बात की गई। तो ये एक जो वर्कशॉप रहा उसमें बहुत पहलुओं में बात हुई, और हमें आधार का सैचुरेशन बढ़ाना कैसे है, स्पेशली जो 0 to 5 years का जो कैटेगरी है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका आधार नंबर दिलवाना वो कैसे करवाना है, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातचीत। आज कौन कौन आए थे? आज हमारे यूआईडी के जो हेडक्वार्टर्स के जो डीडीजी हैं आमोद जी जो 96 बैच आईएएस ऑफिसर हैं वो हमारे बीच उपस्थित थे। इसके अलावा जो रीजनल ऑफिस मुंबई के भी जो डीडीजी हैं सुनमेश जोशी जी, राजेश गुप्ता जी अहमदाबाद ऑफिस से, और जेएसडीबीटी जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कार्यरत हैं वो भी हमारे साथ। मैडम ये पहली बार ऐसा व्हाट्सएप किया गया? हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ पिछले काफ़ी सालों में ये पहली बार ऐसा कोई कार्यशाला की गई है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पता चले कि डीबीटी और आधार का यूसेज और कैसे आगे बढ़ाना है और सुरक्षित तरीके से कैसे करना है।